नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करेंगे उस प्रश्न को पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 समान ब्याज दर से उधार दिया। यदि उन दोनों से ब्याज के रूप में 4500 रुपये प्राप्त हुए हों तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? हमें यहाँ पर ब्याज की वार्षिक दर बताना है, ठीक है। तो पहले व्यक्ति यानी बी को उसने कितने रुपये उधार दिए? वह दिए 6500 रुपये, ठीक है। समय कितना है? समय है 2 वर्ष। दर हमें पता नहीं है तो हमने उसको आर मान लिया और भागे 100 कर दिया, ठीक है। तो ए हो गया है जो बी ने उसको इंटरेस्ट दिया होगा वह है प्लस। सी को कितने रुपए दिए? सी को दिए 8000 रुपए। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। और दर समान है भागे 100। तो यह बी का ब्याज, यह सी का ब्याज, दोनों को अगर मिला दें तो कितना होगा? यह होगा 4500 रुपए, क्योंकि उसको टोटल ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले? 4500 रुपए मिले। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। यहाँ 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे और यहाँ भी कट जाएंगे। 2 का जब गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13, और यहाँ पर करेंगे तो 8 सुकू 32 बराबर हो जाएगा 4500। दोनों को जोड़ देंगे, 0 3 2 5 और 3 1 4 बराबर हो जाएगा 4500। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 4500 भागे 450 काट देंगे तो सीधा 10 बार जाएगा। तो परसेंटेज कितना निकल आएगा, यानी दर कितनी निकल आएगी? दर निकल आएगी 10%। यानी कि उसने दोनों व्यक्तियों को, A ने दोनों यानी B और C को 10% ब्याज के रेट से पैसा उधार दिया था, ठीक है। तो कैसे लगाया? ये B का ब्याज है और यह C का ब्याज है, दोनों के ब्याजों को जोड़ दिया, 4500 के बराबर कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो हमारा यहाँ पर रेट निकल आया, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।